हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने DSSSB का असिस्टेंट ग्रेड 2 का फॉर्म मतलब पोस्ट कोर्स 22/21 का फॉर्म भरा है, टोटल 28 वैकेंसी के लिए आपका जो नोटिफिकेशन जो था वो निकला हुआ था, ठीक है। अब ऐसे में एग्जाम जो है वो 22 से 27 फरवरी के बीच आपके शेड्यूल्ड है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के सामने आ रही वो आ रही कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, क्योंकि आप सभी को पता होगा इसमें 6 मंथ्स का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो आपका मांगा गया। अब ये किस तरीके से बनवाए, किस इंस्टीट्यूट से बनवाना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट वैलिड है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। सो मेक श्योर जितने भी स्टूडेंट जो DSSSB की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने आपकी प्लेलिस्ट आपकी DSSSB की बना दी है, जिसमें आपको हर वैकेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, आपको राइट साइड में आई बटन पर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 10+2 क्वालिफिकेशन विथ 60% मार्क्स और डिग्री विथ 45% मार्क्स एंड 6 मंथ्स कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कई ऐसे स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि अरे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हमें बनवाना पड़ेगा या कोई हमें अलग से सर्टिफिकेट लेना है, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ एक बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि बात आती है सर्टिफिकेट के लिए, तो ये सर्टिफिकेट आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप बनवा सकते हो, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हो। वो 6 मंथ का आपको सर्टिफिकेट दे देगा और ये सर्टिफिकेट आपका जो है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ इनको ये चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज हो एक कंप्यूटर चलाने के बारे में, ठीक है, जिसके कारण से आपका ये जो डिप्लोमा है वो आपका मांगा गया। अगर इन केस आपका CCC का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी एक तरीके से आपका वैलिड है, वो भी आपका माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 6 मंथ्स का वहाँ पर कोई भी कोर्स का आप वहाँ से डिप्लोमा का बनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डिप्लोमा की जो डेट होनी चाहिए वो आपकी नोटिफिकेशन के पहले की ही आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ डाउट्स जरूर पूछें, वहाँ सारे डाउट्स आपके जो हैं वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।